हुआ सिलेक्शन और आगे क्या? सर यहाँ पे एक पेपर में आउट हुआ था कि मतलब फिजिकल में जो सेना भर्ती होना चाहते हैं, तो हम लोगों ने आवेदन किया, आवेदन में हम लोग का नाम आया, फिर हम लोग यहाँ पर आए, सिलेक्शन हुआ और हम लोग ये सोच रहे हैं कि तैयारी करके आगे बढ़ें और अपने ज़िले और गाँव का नाम रोशन करें। जो नौगढ़ में नक्सल प्रभावित क्षेत्र का कलंक लगा है उसको हम लोग धीरे धीरे दूर कर दें और हमारे गाँव घर के लोग जो हैं वो इससे खुशी महसूस करें कि हमारे गाँव का बेटा गया और अच्छा नाम रोशन कर गया, हमारे गाँव में जो इलाके में नक्सल प्रभावित का कलंक लगा था उसको दूर कर रहे हैं बच्चे हमारे। सर ये अच्छा मैसेज है कि पूरे लड़के जब देश सेवा में जाएंगे तो इलेक्ट्रिशियन की ट्रेनिंग, बढ़ई की ट्रेनिंग और अन्य ट्रेनिंग, ड्राइविंग की ट्रेनिंग ये यहाँ पर दी जा रही है, लोगों को चिन्हित किया गया है, बच्चों को चिन्हित किया गया है, जिससे कि दूर दराज में हमारे रहने वाले लोग पुलिस से जुड़ सके और पुलिस फैसिलिटेटर के रूप में उनका सहयोग करें, उनके साथ जुड़ के उनको डेली एक रोजगार दिलवा सके, ये हम लोगों का प्रयास है। ये कभी डेफिनेटली मिलेगा लोगों का, जब अगर पुलिस के ऊपर विश्वास बढ़ेगा तो देहात क्षेत्र में अगर कोई अपराधी किस्म के लोग कहीं पर आकर रुक रहे हैं तो वो विश्वास के माध्यम से सूचना देंगे पुलिस को, और पुलिस या कहीं पर कोई क्राइम घटित होता है तो उसके अंदर भी लोग विश्वास करेंगे और उसके बारे में लोगों उसके बारे में पुलिस को और अधिकारियों को बताएंगे, जिससे कि क्राइम के अंदर उसको हम वर्कआउट कर सकें और उसके अंदर